हेलो गाइस, मैं का शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं उत्तरी भारत के राज्यों के लोक नृत्य, क्योंकि इतने सारे लोक नृत्य हैं इसलिए एक बार में नहीं आ पाया। अगले वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत के लोक नृत्य, इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य को कम्प्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, गहराई से हम लोग देखेंगे क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग लूसेंट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाया करें। इस तरह से आप लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग को याद हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तरी भारत से ही। सबसे पहले लद्दाख से स्टार्ट करते हैं। तो लद्दाख का कौन कौन सा लोक नृत्य है तो गौर करिएगा, जबरो सोडोल सोन। जबरो सोडोल सोन जो लोक नृत्य है यह कहाँ का है तो यह लद्दाख का है। जबरो सोडोल सोन लोक नृत्य कहाँ का है तो यह लद्दाख का लोक नृत्य है। एक बार फिर से, जबरो सोडोल सोन लद्दाख। आगे बढ़ते हैं लाजा कोसन। लाजा कोसन तुखत नम सुरही याक डकपा रक्षस कहाँ का है तो लद्दाख का लोक नृत्य है। एक बार फिर से, जबरो सोडोल सोन लाजा कोसन। लाजा कोसन तुखत नम सुरही याक लोक नृत्य लद्दाख, डकपा रचेस लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा लोक नृत्य है तो मैंने 12 लोक नृत्य को डाला है। एक बार फिर से लद्दाख को देख लेते हैं क्योंकि ये सब नया नया वर्ड आता है इसलिए एक बार में याद नहीं हो पाता है, मुझे भी पता है। तो जबरो सोडोल सोन लाजा कोसन तुखत नमो शुरही याक डकपा रचेस लोक नृत्य कहाँ का है तो लद्दाख का है। अब आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन कौन सा लोक नृत्य है तो राक्षस नृत्य। राक्षस नृत्य कहाँ का है तो हिमाचल प्रदेश। डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश। छत्रक हिमाचल प्रदेश। छम लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश। क्यांग माला लोक नृत्य कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। एक बार फिर से, राक्षस नृत्य हिमाचल प्रदेश। डांगी नृत्य हिमाचल प्रदेश। छत्रक नृत्य हिमाचल प्रदेश। उसके बाद छम लोक नृत्य कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश। और क्यांग माला भी हिमाचल प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैंने 12 लोक नृत्य इसमें डाला है। नाटी लोक नृत्य कहाँ का है तो हिमाचल प्रदेश का है, नाटी हिमाचल प्रदेश। कटथी बुढ़ा लोसर सोना चुकसा। लोसर सोना चुकसा लोक नृत्य कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश। छपेली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश। डंडा नाच हिमाचल प्रदेश। नाम जैन करालिया। नाम जैन करालिया कहाँ का है तो हिमाचल प्रदेश का है। और थोंडा छम कहाँ का है, यह हिमाचल प्रदेश का है। दो चार बार मेरे साथ ही रिविजन किया करिए, याद हो जाएगा। चलिए, राक्षस नृत्य हिमाचल प्रदेश। डांगी छत्रक छम। राक्षस डांगी छत्रक छम। फयांग माला नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश। कटथी बूढ़ा लोसार सोना चुकसा। छपेली डंडा नाच हिमाचल प्रदेश। और नाम जैन करालिया और थोंडा छम कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का कौन कौन सा लोक नृत्य गौर करिएगा, हिकात। हिकात लोक नृत्य कहाँ का है तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दमाली हिमाचल, सॉरी, हिकात जम्मू कश्मीर, दमाली जम्मू कश्मीर। हिकात और दमाली कहाँ का है तो जम्मू कश्मीर का है। रऊफ बहुत ही फेमस लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का। रऊफ कहाँ का है तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हफीजा जम्मू कश्मीर। मदजाल जम्मू कश्मीर। डुमहाल और कुन दांडी नाच कहाँ का है तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। एक बार फिर से देखिएगा, हिकात दमाली रऊफ हफीजा मदजाल डुमहाल कुन दांडी नाच जम्मू कश्मीर। हिकात दमाली रऊफ हफीजा मदजाल डुमहाल कुन दांडी नाच जम्मू कश्मीर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में 12 लोक नृत्य को मैंने डाला है। भांगड़ा बहुत ही फेमस नृत्य पंजाब का, भांगड़ा गिद्धा। उसके बाद डफ। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप लोग जनजाति पढ़ते होंगे, जिस तरह से जनजाति संथाल जनजाति, एक उदाहरण ले लीजिए, संथाल जनजाति जिस तरह से झारखंड में निवास करती है उस तरह से बिहार में भी देखने को मिलता है। उसी तरह से लोक नृत्य की बात की जाए तो पड़ोसी राज्यों में भी देखने को मिल जाता है। इस तरह से देखिए, जैसे कि डफ, डफ जो लोक नृत्य है यह पंजाब का भी है लेकिन हरियाणा का भी है। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार से टिक किया करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, पाइका लोक नृत्य कहाँ का है। ऐसे तो पाइका जो लोक नृत्य है यह उड़ीसा का है लेकिन उसमें ना उड़ीसा था ना झारखंड था। इस अनुसार से हम लोग को क्या टिक करना पड़ा था, बिहार, क्योंकि बिहार का लोक नृत्य हो सकता है क्योंकि उड़ीसा बिहार बंगाल एक साथ लगा हुआ राज्य था। इस तरह से आप लोग गौर करिएगा, ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक किया करिएगा। नेक्स्ट है धूमल। भांगड़ा गिद्धा डफ धूमल नकुला लोक नृत्य पंजाब। नेक्स्ट है किकली जागो। किकली जागो लोक नृत्य पंजाब। लुड्डू लुड्डी सॉरी लुड्डी लोक नृत्य पंजाब। जुल्ली तीजन बागा धनकरा और शमी लोक नृत्य पंजाब का। कौन कौन सा है, भांगड़ा है गिद्धा डफ धूमल नकुला किकली जागो लुड्डी जुली तीजन बागा धनकरा और शमी लोक नृत्य कहाँ का है
तो पंजाब का है। आगे है हरियाणा, हरियाणा कौन कौन सा है, तो झूमर बहुत ही फेमस नृत्य हरियाणा का, झूमर हो गया, स्वांग हो गया, और उसके बाद खोड़िया हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर झूमर। फाग, फाग लोक नृत्य है, यह होली के समय किया जाता है, फाग लोक नृत्य होली के समय किया जाता है। उसके बाद धमाल, धमाल कहाँ का, हरियाणा का, मंजीरा हरियाणा। गुग्गा लोक नृत्य बहुत ही फेमस नृत्य है, गुग्गा लोक नृत्य जो है ये हरियाणा का है। उसके बाद रासलीला, देखिए रासलीला जो लोक नृत्य है यह हरियाणा के साथ साथ यूपी में भी किया जाता है, इसके साथ साथ यूपी उत्तराखंड में भी यह लोक नृत्य होता है, लेकिन अगर फेमस जो माना जाए तो यह यूपी का होना चाहिए, लेकिन रासलीला यहाँ पर उत्तराखंड है ही है, और हरियाणा और यूपी तीनों राज्यों में किया जाता है। नेक्स्ट है खेरिया, खेरिया नृत्य या फिर खोड़िया नृत्य, खोड़िया जो नृत्य है यह यूपी में भी किया जाता है, पश्चिमी यूपी और हरियाणा में। ये जो नृत्य है यह शादी के समय में किया जाता है, जब लड़का का शादी होता है तो बारात लाने लड़की को चला जाता है, तो वो जो महिलाएं घर पे जो रहती है वही सब महिलाएं जो हैं खोड़िया नृत्य करती हैं। खोड़िया स्वांग छवि और डफ कौन कौन सा, झूमर, फाग, धमाल, मंजीरा, गुंगा, रासलीला, खेरिया, सांग, छवि और डफ लोक नृत्य कहाँ का है, यह हो जाएगा कहाँ का, हरियाणा का। अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान कहीं पे देख लेते हैं। घूमर लोक नृत्य बहुत ही फेमस, घूमर कहाँ का है, तो राजस्थान का, तेरह ताली राजस्थान। कठपुतली लोक नृत्य, कठपुतली यह कहाँ का है, यह राजस्थान का है। फुंदी लोक नृत्य राजस्थान, भवाई लोक नृत्य राजस्थान। कालबेलिया, कालबेलिया कहाँ का है, तो राजस्थान का है। गणगौर नृत्य, गणगौर नृत्य राजस्थान। चरी लोक नृत्य राजस्थान। जिंदाद लोक नृत्य राजस्थान। और झुम्मा लोक नृत्य कहाँ का है, तो राजस्थान। नीचे का शायद आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, कट जा रहा होगा, एक बार फिर से सुनिएगा। घूमर, तेरह ताली, कठपुतली, फुंदी, भवाई, कालबेलिया, गणगौर, चेरी, जिंदाद और झुम्मा लोक नृत्य राजस्थान। लास्ट में एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे बिल्कुल फास्ट तरीके से। अब चलते हैं यूपी, यूपी में तो बहुत सारे लोक नृत्य को हमने डाला है। यूपी के पहले हम उत्तराखंड को देख लेते हैं। चलिए गढ़वाली, गढ़वाली से जानते हैं, गढ़वाली कुमायूं लोक नृत्य कहाँ का है, तो यह हो जाएगा कहाँ का, उत्तराखंड का। उसके बाद चंपल, चंपल लोक नृत्य उत्तराखंड, सरू उत्तराखंड, तांडी लोक नृत्य उत्तराखंड, कजरी झोरा, कजरी झोरा जो लोक नृत्य है यह कहाँ का है, यह उत्तराखंड का है। आगे है रासलीला, देखिए रासलीला जो है यह उत्तराखंड में तो किया ही जाता है, उसके साथ साथ यूपी का भी लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं घुघुती, चोकल, भोटिया, भोटिया जनजाति कहाँ निवास करती है, तो पता होगा उत्तराखंड। एक होती है भूटिया, भूटिया निवास करती है सिक्किम में, तो ये भोटिया है जो उत्तराखंड में रहती है और यूपी में भी देखने को मिलता है। तो भोटिया, हारून, लांगवीर, भैला पांडव, भगनोल, चपादी, छोपती, यह सब लोक नृत्य कहाँ का है, उत्तराखंड का है। एक बार आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाया करिए लूसेंट का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, आप लोगों को बहुत ही कन्फर्म तरीके से याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं गढ़वाली, कुमायूं, चंपल, सरो, तांदी, कजरी झोरा, रासलीला, घुघुती, चोकला, भोटिया, हारून, लागवीर, भैला पांडव, भगनोल, चपादी और छोपती लोक नृत्य कहाँ का है, यह उत्तराखंड का है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे लोक नृत्य डाला गया है जैसे 22, लेकिन ज़्यादातर नौटंकी, कजरी, यह सब से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए एक बार गहराई से देखा करिए। चलिए नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा लोक नृत्य कहाँ का है, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं चाचरी, चाचरी, चरकुला, धोबिया, चाचरी, चरकुला, धोबिया, उत्तर प्रदेश। आगे है मयूर लोक नृत्य, ख्याल, पासी, नटवरी, चापेली और ख्याल, ऐसा लोक नृत्य कहाँ का है, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। कौन कौन सा है एक बार फिर से देखिएगा, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, चरकुला, धोबिया, मयूर, ख्याल, पासी, नटवरी, चापेली लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, और भी है उत्तर प्रदेश का, झोरा लोक नृत्य भी है उत्तर प्रदेश, जैता, डरकारी, धोबिया, पाई डंडा, राई, द्वीप, दीवारी और चौलर, ऐसे लोक नृत्य कहाँ का है, क्या हो जाएगा, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। देखिए धोबिया लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी यह लोक नृत्य फेमस है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं उत्तर प्रदेश का, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, चरकुला, धोबिया, मयूर, ख्याल, पासी, नटवरी, चापेली, मेरे साथ दोहराइएगा, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, चरकुला, धोबिया, मयूर, ख्याल, पासी, नटवरी और चापेली कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। झोरा, जैता, ढरकारी, धोबिया, पाई डंडा, राई, द्वीप, दीवारी और चौलर लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है बिहार। चलिए अब बिहार को देखते हैं, बिहार का तो ऐसे जाते ही हो गए जाट, जटिन, विदेशिया, कजरी, लेकिन कुछ और लोक नृत्य को जान जाइए। जाट, जटिन, विदेशिया, कजरी कहाँ का है, बिहार का है।
छऊ लोक नृत्य यह भी बिहार, कर्मा, कर्मा जो लोक नृत्य है यह बिहार में तो किया ही जाता है, इसके साथ साथ कर्मा जो है झारखंड में भी किया जाता है, उड़ीसा में भी किया जाता है, लेकिन जो कर्मा फेमस है यह झारखंड का है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कर्मा जो है यह बिहार का भी है, झारखंड का भी है। जोगिया, झिझिया, पवरिया, झरनी और पाइका जुमरी यह कहाँ का है, तो यह बिहार का है। एक बार फिर से, जाट जटिन, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, जोगिया, झिझिया, पवरिया, झरनी, पाइका झुमरी कहाँ का है, तो यह बिहार का है। एक बार फिर से, जाट जटिन, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, जोगिया, झिझिया, पवरिया, झरनी, पाइका झुमरी कहाँ का लोक नृत्य है, तो बिहार का है। एक दो बार इसे रिवीजन किया करिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग नोट डाउन किया करिए, नोट डाउन करने से आप लोग को याद हो जाएगा और इसका आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाया करिए। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे दक्षिण भारत के लोक नृत्य और पूर्वोत्तर भारत के लोक नृत्य को। मैं आप लोगों को बता दूँ कि टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, यह 8 है, उसे भी हम लोग देख लेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, थोड़ा हेल्पफुल भी लगा हुआ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।